जरा एक फ्रेश नजरिया रेलवे स्टॉक्स पे, खासतौर पे आप जरा इरकॉन इंटरनेशनल पर नजरिया दीजिए। बिल्कुल, देखिए आपने तो प्रशांत जी उस स्टॉक की चर्चा कर दी है जिसने कि सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सरप्राइज भी किया है, अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं और मुझे लगता है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट अभी बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए। देखिए इरकॉन इंटरनेशनल इस समय 188 चल रहा है, सेकेंड लेवल बाय का अगर फिर से अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो करंट लेवल पे 40% और 60% 180 के आसपास खरीदना चाहिए। अपसाइड टारगेट जो अभी मोमेंटम चल रहा है इसमें 210 और 220 के लेवल बहुत जल्द दिखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस भी इसमें बहुत छोटा सा है 175 का, तो इरकॉन यहां पर काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, इस पे एक बाय की कॉल लेनी चाहिए। दूसरा, इस समय अगर फ्रेश बाय और किसी स्टॉक्स की तरफ रेलवे काउंटर में जाते हैं तो पहला है रेलटेल जो 364 चल रहा है, अभी मुझे लगता है 380 तक जाता हुआ नजर आएगा और टारगेट लॉन्ग टर्म पे अगर, या लॉन्ग टर्म का मतलब सिर्फ एक महीने के एंड तक देखते हैं तो मुझे लगता है 415-420 के पास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। IRFC 100-101 रुपए चल रहा है, इसमें भी मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, 120 तक जाता हुआ नजर आएगा। और साथ ही यहाँ पर RVNL जिसे आपने पहले चर्चा करी, मुझे लगता है कि दोनों में फाइट हो रही है, RVNL और इरकॉन कौन पहले चलता है, पहले मैं टारगेट अचीव करूंगा या पहले RVNL करेगा। तो मुझे लगता है RVNL के भी यहाँ पर सेम टारगेट है, आपको 410-420 तक लेवल जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग रहेगा।